थक भी गए, अब चल नहीं पाते महाराज, हम नहीं चलेंगे। देखो इतना जंगल है, इस जंगल में मैं राशन पानी कहां से खरीद कर लाऊंगा, या मैं किसे मांगू? इस जंगल में न घर है, कुछ दूर आगे चलो, उसके बाद मैं खाने पीने का बंदोबस्त करूंगा। महाराज मुझे चला नहीं जाता है, महाराज मैं बहुत थक गया हूँ। थक गया हूँ, कहावत है कि संपदा खाए भोग कर नाना, आधी पर खसी दीजिए और समय पर दुर्लभ है प्रणाम। मिलन कुछ हिम्मत करो, कुछ आगे चलो, आगे जाने के बाद में शहर मिलेंगे, उसमें आपको राशन मिल जाएगा। चलो भाई कुछ होश करो और आगे निकलो। देखो ये फरसापुर जंगल है, इस जंगल में मैं कौन सा उपाय करूं जो तुम्हें राशन पानी लेकर के खिलाऊं? अब हम लोग चलेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए हमको चला नहीं जाता है महाराज। भाई नंदन दंगी महाराज कहावत में है, उसके बाद मैं खाने पीने का बंदोबस्त करूंगा। हाय रामनंदन जंगी, यहां से कुछ दूर राजमोरंग है। अच्छा राजमोरंग में मोहिचन बनिया मेरा प्रिय दोस्त है। आगे वाला दोस्त मोरंग में जाओ, मोहिचन बनिया से कहना कि मोहब्बा निवासी उदय चंद फरसापुर जंगल में फंस गया है, 1200 पट्टा लेकर मेरा काबुल को चला है, राशन पानी कम गया,
उदर महाराज का आदेश है कि 1200 पट्ठा का राशन पानी 6 महीना को देने को। सही बात है जंगी, लेकिन आप जो कहते हैं कि राज मोरंग में जाओ, भाभी सोना ने बोली है कि जादू का पठार सुखते हैं राज मोरंग में, कुछ मेरा हृदय में भैया शंका है। रे उदल का बात गाड़ी की पहिया उल्टा पुल्टा ये नहीं होगा। प्रधान ठीक है, यदि आपका मर्जी है तो मैं जा सकता हूं जंगी। यदि तुम्हें नहीं पहचाने तो मैं रात दिल्ली में जो हाथी बैठा रहा था, महाराजा पृथ्वीराज चौहान हाथ में हीरे का मुंद्रिका दिया, वह मैं तुम्हें दिया हूं। सही बात है, वह मुंद्रिका देखा दे रहा हूं। यदि मोहजन राशन पानी नहीं दिया हम खरीदना बंद करेंगे, किला पर सुनते हैं, इसीलिए मुझे शंका है तो भी मैं जा रहा हूं। यही राजमोरंग का रास्ता है, मैं जा रहा हूं। राजमोरंग के रास्ता को था नहीं पा सका हूं, क्योंकि मैं नया आदमी हूं, अनदेख हूं, कुछ आगे जाता हूं, देखूंगा कौन रास्ता है कौन पैरा है, किस होकर के राजमोरंग में जाएंगे, फिर मैं कुछ आगे को बढ़ता हूं। तहन जाओ और पट में इनार से जल भर करके ले आओ। आज मैं सब सहेली मिलकर की जा रही हूं,
पानी भरने। हाँ दीदी चलो अब सब सहेली मिलकर की जल भर कर की राज मोरंग में चले आऊंगी। दीदी जितने सखी है ये सभी सखी मिल करके चले मोरंग में पानी भरेंगे। जितने सखी है सभी मिल करके। हाँ चलो चल मेरी दीदी जब मोरंग क्या सौदागर? हाँ हाँ आपको दिखाई दे रही है।
फिर बुलाइए हमको। बुलाऊ? हाँ बुलाइए। नहीं मैं नहीं बुलाऊंगी, जिसको जरूरी है वही बुलाए। अच्छा खुद आ जाएगी? ठीक है आने दो। मैं क्या करूं, इरफान साहब जुड़ती है, जैसे कहावत है छवि नाच चिड़िया तो पान साहब पर भर रही है, पानी भरने के याते हैं कहाँ कुआं पर, हो रास्ता हम पूछेंगे ना। मेरा काम लेना है सुंदरी, मैं जाना चाहता हूँ राज मोरंग, लेकिन मोरंग जाना है राशन के लिए, तुम मच्छर बनिया के घर यदि बता सकती हो तो बता दो कि राज मोरंग में जाने के लिए कौन कौन रास्ता, कौन कौन बाट और कौन कौन पहरा है। मुफद में तो क्या चाहती हो? मोरंग के दस्तूर चुका कर ही जाने देंगे। क्या मांगना है? दस्तूर यही है। क्या है? वो पहले रास्ता पूछने आते हैं ना, उसे शादी करने पड़ता है। अच्छा शादी करने पड़ते हैं, तो ठीक है। हो लौट के हम आए ये राज मोरंग से, ये कौन कहे छवो सो ब्याह करेंगे और अपना घर ले जाएंगे। मकान का मकान पड़ता है पश्चिम मुल्क में। पश्चिम मुल्क में? हाँ। काम का नाम नहीं है। क्या काम का नाम है? गांव का नाम कुछ बहुत दूर है, हीरापुर है। हीरापुर? हीरापुर हाँ। ऐसे मुफ्त में नहीं होता है सब। कैसे होता है बोलो? मैंने शादी करो नहीं, शादी जो कर लेंगे तो मैं जिससे काम से जाता हूँ राज मोरंग में, वो काम में ढीला सुस्ती हो जाएंगे। उधर से जाएंगे, मैं जो कहता हूँ सत कहता हूँ, पहले मेरा बात के सुन लो, मैं पहले रास्ता बताओ, उधर से जाएंगे, इसके बाद में शादी होगा। मेरी विचार क्या है, ये राजा ने बहुत देखने में अच्छे है, मेरी मन करती है उन्हें साथ में शादी कर लूं। इसलिए तो मैं बता रही हूँ। हाँ, कि मैं आगे कहना करने दूँ। पहले मैं कह चुका हूँ कि पहले मैं शादी नहीं करूँगा, जिस काम से मैं राजमोरंग जा रहा हूँ उधर से काम करके जब लौटेंगे तो मैं वचन देता हूँ सभी को साथ में शादी करके यहाँ से ले जाऊँगा। बाबा सबके सोच मुझसे शादी कर लो। हाँ के बउआ माई करी न खेती परी न
होता इस कारण धमधूम इसको ठगना है। बता दो रास्ते बता दो। अच्छा बताओ, मैं उधर से आऊंगा फिर देखा जाएगा। ठीक है बोलो क्या करना चाहते हैं। मैं जाना हूँ राजमोरम जा रहा हूँ। राजमोरम? हाँ महचन बनिया के यहाँ। तो रास्ता बहुत है, कौन सा रास्ता जाएंगे कैसे जाएंगे वही तुमसे पूछना है। देखिए परदेशी, ये रास्ता है लक्ष्मीवास से आते अशोक, ये पूरे ये बटेसर से लक्ष्मीवास होकर सीधे ये राजमोटा जाते हैं, पूरब आपको सिरा जाते हैं, ये काठमांडू जाते हैं, ये रास्ता चल करके ये तो बीच का रास्ता है, पकड़ कर चल जाइए मोरंग, वही रास्ता है। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग चिंता नहीं करो। मेरी बात आप सुनिए, तो वहाँ से आइएगा तो हम लोग जितना सखी है उनको साथ शादी करनी पड़ेगा। तो रास्ता मालूम नहीं है, राजमोरंग का रास्ता मालूम नहीं है, शादी करने के लिए पहले ही उकाती है। शादी पहले कर ले, रास्ता ले बता दो। इधर उधर का रास्ता मैंने बता दिया, फिर कहेगा हमको साथ शादी कर लेगा, इसलिए बोलो क्या करना है। देखो सिद्धागर बोलो, यहाँ से जाओ, यहाँ से आगे एक चौराहा है। अच्छा, वहाँ से ऐसे मुड़ना तो उंज गली पड़ेगा। अच्छा, वहाँ से जाना ऐसे टेढ़ी होना तो कुंज गली पड़ेगा। पहले कौन उंज गली? उंज गली से कुंज गली। अच्छा, उंज गली से कुंज गली। कुंज गली से अमर गली। अमर गली। अमर गली से भवर गली। भमर गली। वहाँ एक चौराहा है, चंदन का पेड़ है, वहीं पर चंदन पेड़ तक महीचन बनिया को बैठा रहे। सही बात है, मैं समझ गया, तुम लोग बैठ जाओ। मगर सुन लो, बोलो, कहीं से चोरी चोरी करके नहीं भागने, न तो गान वहाँ टिकी खींच लूंगी। मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे जैसे जैसे लड़किया को मैं कितना को ठग लिया हूँ, लेकिन ये मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मुँह में तो आता नहीं है ये कोठा। उधर से आओगे तो शादी करोगे ना? हाँ कर लेंगे। खूब बढ़िया से यही को पर घर माता करना। ठीक है चलो भगवान, अपने मन में सभी शक्ति मिल जाए। चलिया अब
ना चाहे।